सरायपाली में नगर पालिका उपाध्यक्ष सुशीला गंगाराम पटेल के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसको लेकर सरायपाली नगर पालिका में मतदान हुआ। इस मतदान प्रक्रिया को पीठासीन अधिकारी की ओर से करवाया गया। नगर पालिका उपाध्यक्ष सुशीला गंगाराम पटेल के खिलाफ में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बहुमत के अभाव में ध्वस्त हो गया है और एक बार फिर से नगर पालिका उपाध्यक्ष पद पर सुशीला गंगाराम पटेल ने अपना बहुमत हासिल कर लिया है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अमृत पटेल और सभापति हरदीप सिंह रैना ने कहा कि यह पार्षदों की एकता और सत्य की जीत है। सभी पार्षदों ने एकजुटता का परिचय देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को ध्वस्त किया है। इसके लिए नगर पालिका उपाध्यक्ष ने सभी नगर पालिका पार्षदों को धन्यवाद दिया है। प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। हमारे साथ पार्षद सब इकट्ठे थे, हम एक हैं और एक रहेंगे। इनकी बार बार यही रहता है, सरायपाली के विकास को ये रोकना चाहते हैं। बीजेपी के यही काम है, हर वार्ड हर मोहल्ले में अभी काम चल रहा है, गौरवपात शुरू हो गया है। इनकी पचा नहीं पा रहे, हर समुदाय भवन हर समाज को हमने भवन दिया। हमारी सरकार की ये गतिविधि कार्यकाल को देखते हुए ये बीजेपी वाले पचा नहीं पा रहे और ये सब टिकरमबाजी कर रहे हैं। उपाध्यक्ष नगर पालिका सरायपाली के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 8 वोट पड़े और विपक्ष में 7 वोट पड़े, जो कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के धारा 43 का में जो आवश्यक प्रावधान है उसको पूरा नहीं कर पाने के कारण उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लोग हम लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं बार बार और हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब साथ साथ भी हैं और सत्य की भी जीत होती है। हम लोग सत्य के राह में चल रहे हैं और हमेशा सत्य की जीत हुई है। बहुमत के साथ अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। सभी पार्षद एकजुट हैं और नगर विकास को लेकर सारे पार्षद सजग हैं और आगे भी नगर में जो विकास कार्य वर्तमान सरकार ने करवाया उसके सभी पार्षद एकजुट होकर आगे नगर का विकास कार्य जारी रखेंगे।